बच्चों हम परिक्षेपण या अपकिरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इसके पहले हमने क्या क्या देखा है, माध्य विचलन भी देखा है, जिसमें हमने क्या किया, माध्य विचलन में हम सिर्फ प्लस माइनस का टोटल नहीं करते थे, उसमें पूरा प्लस और माइनस का गणना ना करते हुए टोटल एक साथ करते थे। लेकिन इसमें हम प्रमाप विचलन देख रहे हैं। प्रमाप विचलन में जो है, इसमें भी जैसे हम माध्य वगैरह निकाल रहे थे वैसे ही इसमें सिर्फ वर्गमूल का आ जाता है। फिर इसमें देखेंगे प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन क्या है? प्रमाप विचलन अंकगणितीय माध्य जो है, अंकगणितीय माध्य के समग्र श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्यों के विचलनों के वर्गों के अंकगणितीय माध्य का वर्गमूल होता है। जो वर्गमूल जब हम अभी निकालेंगे तो आप लोग देखिएगा। तो इस प्रकार से प्रमाप विचलन की गणना अंकगणितीय माध्य से की जाती है। और इसका विचार जो है कार्ल पियर्सन ने सन 1893 में किया था, और प्रमाप विचलन के लिए ग्रीक वर्णमाला का जो है ये सिग्मा मतलब स्मॉल सिग्मा जो है उसका उपयोग किया जाता है। फिर दो श्रेणियों में अपकिरण की तुलना करने के लिए हम प्रमाप विचलन के सापेक्ष माप भी ज्ञात करते हैं, जिसको कि हम विचलन गुणांक कहते हैं। गुणांक हमने माध्यम में भी देखा था कि गुणांक किस तरह से निकालते हैं। जब हम विस्तार कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि गुणांक कैसे निकालते हैं। तो ये जो है प्रमाप विचलन गुणांक कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए विचलन जो है वह गणित माध्य से दिया जाता है। फिर इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे सूत्र हैं जिसको कि हम किस तरह से प्रमाप विचलन को ज्ञात करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये जो है ये व्यक्तिगत श्रेणी में है, ये वाला जो है ये व्यक्तिगत श्रेणी का सूत्र है। तो हम ये वाला सूत्र उपयोग करके हम व्यक्तिगत श्रेणी की गणना कर सकते हैं, जिसमें प्रमाप विचलन और गुणांक दोनों ज्ञात कर सकते हैं। प्रमाप विचलन को हमने सिग्मा से वो किया है। फिर उसके बाद ई डी स्क्वायर है, अंकगणित माध्य विभिन्न पदों के मूल के विचलनों का योग है। एन जो है पदों की संख्या है, ये आपको हम बार बार बता रहे हैं, ये आप लोग को हुआ। फिर ये गुणांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है, सिग्मा बटे ए, मतलब ये जो है माध्य है और ये जो विचलन हमने निकाला है वो है। तो जब उसमें हम माध्य का भाग दे देंगे तो हमारा गुणांक निकल आएगा। फिर ये खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी का सूत्र ये है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन। तो इसमें अभी सिग्मा का मालूम है प्रमाप विचलन, फिर एफ डी ये डी का जो है हम जब दोबारा गुणा करेंगे, जब आप गणित करेंगे तो आप लोग देखेंगे। एन आवृत्तियों का योग है, इसको हमने किससे भी वो करते हैं, सिग्मा एफ भी वो करते हैं और एन से भी दर्शाते हैं। फिर आगे देखेंगे लघु रीति, मतलब इसको जब हम गणित करेंगे तो करते जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसमें जो है हम अभी जो दोनों सूत्र जो देखे वो प्रत्यक्ष विधि से देखे हैं, ये जो है ये लघु रीति या अप्रत्यक्ष, इसको अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो हम इसको ये दोनों रीति से हम उसको कर सकते हैं। अब ये जो सूत्र है ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम श्रेणी के किसी एक मूल को कल्पित माध्य मानकर गणना की सुविधा के लिए श्रेणी के किसी भी मध्य मूल को कल्पित माध्य मान लेते हैं और समस्त मूल्यों का विचलन निकालकर उसका योग करके ये सिग्मा डी एक्स निकल आता है। तो इसी तरह से ये सूत्र है, सिग्मा मतलब ये विचलन बराबर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये सारे जो हैं वह किस में रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे। उसी तरह से ये जो है ये भी खंडित श्रेणी का सूत्र है, जो कि हम जब आगे गणित करेंगे तो आप लोग को वैसे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर ये देखिए ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत ये गणित है, ये जो है ये क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत है। तो इसको हल करने के लिए ये जो है ये पूरा जो है ये आप लोग को ये गणित इस तरह से दिया हुआ रहेगा, उसको हम जब हल करेंगे तो उसको हम इस तरह से सारणी तैयार करेंगे। तो उसमें जो है हम क्रमांक लिखेंगे, फिर जो ये संख्याएं दी हुई हैं उसको हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये संख्याएं जो दी हुई है उसको जब हम टोटल करेंगे, सबसे पहले तो ये हमने टोटल किया, ये संख्या हमारी कितनी है, 8 है। जब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर जो माध्य विचलन जो है, माध्य विचलन की जब गणना करेंगे तो उसके लिए हमें माध्य की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 64 है तो हम इसमें 64/8 का हम भाग दे देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, जब 8 से इसको काटेंगे तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमको ये क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो हम यहाँ पर माध्य इसको क्या, हमने 8 को कल्पित माध्य मान लिया। जब हमने इसको माध्य मान लिया तो उससे क्या करेंगे, जब ये संख्या जब घटेगी तो ये जो हमें संख्या जो दी हुई है 3 से, जब हम 8 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, इसलिए यहाँ पर धन मतलब ऋण आ जाएगा
और ऋण 5, फिर यहाँ पर ऋण 3, तो इस तरह से ये क्या होते जाएंगे, माइनस होते चले जाएंगे। तो इस तरह 7 में से 8 गया कितना बचा, माइनस 1, फिर 8 में से 8 गया ये हो गया हमारा 0, फिर 10 में से 8 गया ये 2, जब ये क्या जाएगा धन आ जाएगा, फिर इसमें जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा 6। तो इस तरह से हमें ये संख्या मिल गई। अब इसके बाद ये जो है इसको हम किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे सूत्र में क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर है। तो डी स्क्वायर के लिए क्या है, ये हमें जो मिला है ये सिंगल डी मिला है, ये जो मिला है सिंगल डी मिला है, जब इसको हम करेंगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसी संख्या से इसी संख्या का गुणा करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 25, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1, 0, 2 2 4, 3 3 9, 6 6 36। तीसरे से क्या हो गया हमारा, ये डबल हो गया। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 88। ये जो होगा हमारा क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर होगा। तो हमारे पास सूत्र में हमें यही चाहिए था, तो हमें ये चीज़ क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे, कितना है 88। तो इसको हम क्या करेंगे, उसमें रख दिया, उसके बाद नीचे हमारा आ गया 8। जब हमने इसको काटा तो हमारे पास संख्या क्या मिल गई, 11, 8 1 8, 8 1 8। तो हमारे पास इसमें जो संख्या मिली है ये अभी किसमें है, वर्गमूल में। अब इसको क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हमने ये लिया, फिर इसमें क्या होती है, जब हम वर्गमूल निकालते हैं जोड़ी में संख्याएं रहती हैं, तो इसके आगे हमने ये कर दिया, ये जब हम वैसे करेंगे तो ये जो है हमारे पास यदि कुछ नहीं है तो हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यदि 3 लेते हैं तो 3 3 का 9, क्योंकि ये संख्याएँ जो है हमेशा किस में चलती हैं, जोड़ी में चलती हैं। तो हमने यहाँ पर जब माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11 में से 9 गया 2, फिर इसके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, इसके आगे की संख्या ये उतार लेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर हमने ये 3 को लिया तो ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 और 3 ये 6 हो गया। फिर इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे कि यहाँ पर उससे, फिर यहाँ पर हमने 3 लिया तो यहाँ पर 3, तो 3 3 9, 3 6 18। मतलब ये जो संख्याएं आएंगी, ये जो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर आएगी, मतलब यहाँ की संख्याएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसी तरह से एक संख्या हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर क्या आ जाएगा, 3.3, उसको आगे करेंगे तो हमारी संख्या और भी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें ये क्या प्राप्त हो गया, हमें ये विचलन प्राप्त हो गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये तो हमारा रफ कार्य था ये, अब हमें क्या करना है, गुणांक ज्ञात करनी है, गुणांक ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया उसके बटे हमने ये लिखा, फिर यहाँ पर जो दी हुई है तो 3.3117 है, तो इसके बटे हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। जब इससे हम उसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.41446, ये संख्या जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। ये क्या आ गया हमारा, ये जो है ये गुणांक आ गया। अब इसके आगे देखेंगे जो एक और गणित है, उसको खंडित श्रेणी में है जो है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी ये संख्या दी हुई रहेगी तो, और उसके बाद फिर आगे हम इस तरह से उसको करेंगे। तो यहाँ पर ये संख्याएँ दी हुई, हमने इसको टेबल में लिख लिया, तो यहाँ पर जब हम एम और एफ, तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई इनको हम आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको हम 6 1 6 12 2 24 18 3 54 और फिर 26 4 104, इस तरह से ये संख्याएं क्या होती जाएंगी, हमें मिलती चली जाएंगी जब आपस में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम जब टोटल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 384। जब हमें 384 मिला तो हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र हमने लिखे थे तो यहाँ पर 384
फोर बटे एन हमारे पास क्या है 96, तब इससे क्या करेंगे जब हम भाग देंगे तो हमें ये मिल जाएगी चार। चार जो हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्य हो जाएगा। जब ये माध्य को हम लेंगे तो यहाँ पर हमने चार को माध्य माना है, कल्पित माध्य माना है। तो उसके बाद जैसे हमने पिछले उसमें गणित किया है उसी तरह से इसमें भी उससे उन चीज़ों को क्या करते जाएंगे, माइनस करते चले जाएंगे। तब एक से जब चार को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, तीन, क्योंकि एक क्या है, छोटा है और वो बड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ पर प्लस वन, प्लस टू और यहाँ पर प्लस थ्री। अब यहाँ पर लिखा हुआ एफ डी, तो ये जो एफ दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी, उसका हम डी से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो छतिया 18, 12 दूनी 24, ये किस में है, माइनस में है, फिर 18 एकम 18, फिर यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 16 एकम 16, यहाँ पर 10 दूनी 20 और यहाँ पर हो जाएगा 24, 8 तिया 24। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ डी स्क्वायर, जैसे पिछले उसमें हमने इसका जस्ट डबल किया था, तो वह फिर उसको हम जब डबल करेंगे तो यहाँ पर 18 से 18 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 54 मिल जाएगा, फिर 24 से 24 का गुणा करेंगे तो 48, फिर इसी तरह से 18 से 18 एक, फिर यहाँ पर ये आ गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 16 एकम 16 और फिर यहाँ पर 20 दूनी 40 और 24 दिया क्या हो गया 72। तो इस तरह से जब हम इसका गुणा इससे किया तो ये संख्या जो है हमें प्राप्त हो गई। जब हम इसको टोटल करेंगे तो 248 ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जो है, जो हमें पास ये सूत्र दिया हुआ है ना, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन, तो हमने हमारे पास जो ये संख्या प्राप्त हुई है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये जो है क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर प्राप्त हुई है। ये सारी चीज़ें जो है अंडर रूट में ही जाएंगी, 248 बटे 96, क्योंकि 96 जो है हमारा एन जो प्राप्त हुआ है। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी 2.58, ये जो है हमें किस में मिल रही है, वर्गमूल में प्राप्त हो रही है। अब वर्गमूल में जैसे हमने अभी आप लोग को बताया था 258 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर दो दिया हुआ है, यहाँ पर जोड़ी दी हुई है, तो यहाँ से हम एक बार करेंगे तो एक एकम एक आएगा, तो यहाँ पर एक बचा और ये हमने ये संख्या उतार ली, यहाँ पर ये दशमलव लगा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये इस तरह से ये संख्या जाती है। फिर यहाँ पर हम पाँच लेंगे तो यहाँ पर भी पाँच लेंगे, 25 आ गया, फिर यहाँ पर हम ये जो है पाँच को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 10, यहाँ ये इस तरह से ये संख्याएँ जो है क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इस तरह से हमारा आंसर जो क्या है वह आ जाएगा, यहाँ पर हम ये संख्या को एक यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो प्रमाप विचलन है वह ज्ञात हो जाएगा। ये गणितों को आप लोग बार बार करेंगे, ये जो है यह हमारा क्या है, रफ कार्य है कि हम उस कैसे उसको कर सकते हैं, मतलब हम जो वर्गमूल है उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये इसके लिए ये हमने ये दिया बताया है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास यदि नहीं है तो हम किस तरह से ये वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग ये बार बार देखेंगे ये वीडियो, तभी आप लोग को गणित भी समझ में आएगा।